नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम, उग्र आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में वेतनमान तथा ईपीएफ आदि का लाभ शीघ्र लागू करने, वहीं आकलन परीक्षा के शीघ्र आयोजन को लेकर राज्य भर के पारा शिक्षक शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने मोराबादी मैदान में जुटे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें मोराबादी मैदान में ही रोक लिया। इस बीच पारा शिक्षक मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की मांग कर रहे थे। इसके बाद में उनकी वार्ता मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे से कराई गई, जिसमें उन्होंने एक सप्ताह में मुख्यमंत्री से वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। बता दें, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पारा शिक्षक मोराबादी मैदान में जमा हो गए। सभी जुलूस के रूप में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आगे बढ़े, लेकिन मोराबादी ओटीपी के पास ही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस बीच पारा शिक्षकों ने वादा पूरा करने की मांग के साथ राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। बाद में पारा शिक्षकों ने वहीं सड़क पर बैठकर सभा आयोजित की। झारखंड में गर्मी से 9 लोगों की मौत, लू चलने का अलर्ट जारी। झारखंड में गर्मी जानलेवा हो गई है। यहां बीते 24 घंटे में गर्मी और लू से 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें, मृतकों में 5 पलामू के हैं। इसके अलावा रामगढ़, दुमका, धनबाद और जमशेदपुर में एक एक की जान गई है। इसी बीच गोड्डा का तापमान शनिवार को 46 डिग्री के भी पार कर गया। यहाँ अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मेदिनीनगर का पारा 44.5 डिग्री रहा। बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में 20 जून से बारिश की उम्मीद है। पलामू के MRMCH में शनिवार को पाटन की सीरमा पंचायत के रोजगार सेवक साकिर हुसैन सहित 2 की मौत गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ने और अंततः हार्ट फेल करने से हो गई है। रांची में पुलिस प्रताड़ना का शिकार विनोद कुमार का मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर रांची में पुलिस प्रताड़ना के एक मामले से अवगत कराया है। साथ ही बाबूलाल ने मामले में आयोग से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की प्रताड़ना का शिकार युवक विनोद कुमार सिन्हा का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर घटना से अवगत कराया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने उल्लेख किया है कि 15 जून 2023 को रांची के अरगोड़ा थाना में विनोद कुमार सिन्हा नामक एक व्यक्ति की थाने के अंदर बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए थाना प्रभारी संजय कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को घटना से अवगत कराते हुए कहा है कि पीड़िता न तो कोई अपराधी है और न ही आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है। मुख्यमंत्री जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू करेंगे 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुलाई के प्रथम सप्ताह से राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है, जिसको लेकर आगामी 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान हो रहा है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर झारखंड युवा कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा की जन्म स्थली खूंटी के उलहातू से की जाएगी। बता दें, यह यात्रा 53 किलोमीटर लंबी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 53वें जन्मदिन के अवसर पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज के नेतृत्व में 53 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 18 जून को पूर्वाहन 10:30 पर खुट्टी के उलहातू से शुरू होगी। वहीं उलहातू खुट्टी में धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित कर यात्रा आरंभ होगी। धान बेचने वाले किसानों को 6 माह बाद भी नहीं मिला पैसा। किसानों को खेती करने की चिंता सता रही है। वहीं प्रखंड के राहम पैक्स में धान क्रय केंद्र खोला गया था, जिसमें 59 किसानों ने 1925 क्विंटल धान बेचा था।
किसानों के खाते में आधी राशि भेजी गई, शेष राशि अब तक नहीं मिली है, जिससे किसान मायूस व हताश हैं। किसानों का कहना है कि मानसून आने वाला है, बीज खरीदने का समय है, पर अब तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कर्ज लेकर खेती करनी पड़ेगी। पैक्स अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा है कि धान खरीद कर मिल तक पहुंचा दिया है, भुगतान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वहीं किसान उत्तम प्रसाद गुड़िया टाना भगत ने कहा है कि खेती का समय आ गया है, अब तक भुगतान नहीं होने से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। झारखंड में नवजात बच्ची को बैग में पैक करके डस्टबिन में फेंका। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में एक नवजात बच्ची को डस्टबिन में फेंक दिया गया। कुछ छात्रों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बच्ची को डस्टबिन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल हजारीबाग शहर के मटवारी में एक डस्टबिन से 2 दिन की नवजात बच्ची मिली है। बच्ची को एक बैग के अंदर प्लास्टिक रैपर में लपेट कर फेंका गया था। बच्ची को रोने की आवाज़ सुनकर लॉज के छात्र डस्टबिन के पास पहुंचे तो उन्हें एक बैग मिला। छात्रों ने डस्टबिन से बैग को निकाला और उसे खोला तो एक नवजात बच्ची मिली। बच्ची लगातार रो रही थी। गढ़वा में बालू माफियाओं के हमले में सीओ समेत 3 घायल। झारखंड के गढ़वा जिले में बालू माफियाओं ने मझियाओं के अंचल अधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता पर हमला कर दिया है। हालांकि वे बाल बाल बच गए। इसमें सीओ के ड्राइवर व नौकर समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के सीओ अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे। इसी दौरान बालू माफियाओं ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ आए थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने सीओ की निशानदेही पर परसु यादव के पुत्र बवन यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बवन यादव व 4 अन्य नामजद जबकि 30 से 40 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 18 को पटना से रांची के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। देश की सबसे अत्याधुनिक और हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 18 जून को पटना से रांची और रांची से पटना के बीच दौड़ेगी। बता दें इस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर नहीं बल्कि 60 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होगी। जी हाँ, बता दें पटना से रांची आते समय ट्रेन की औसत स्पीड 60.78 किलोमीटर होगी जबकि रांची से पटना लौटते समय इसकी औसत स्पीड बढ़ाकर 61.60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन ने सीएचओ के 1400 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड रूरल हेल्थ मिशन ने 1400 पदों पर वापस वैकेंसी निकाली है। सभी की नियुक्ति कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर अनुबंध के तौर पर होगी। बता दें अनुबंध की अवधि 1 साल है। इसके बाद जरूरत के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। बता दें इस पद पर आवेदन करने वालों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। इस पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 25,000 रुपये प्रति माह व कम से कम 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। जेईई मेन के जरिए बीटेक कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य इंजीनियरिंग काउंसिल के जरिए बीई बीटेक एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेसीईसीईबी में एडमिशन के लिए जेईई मेन 2023 रैंक स्कोर कार्ड वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जेसीईसीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट 7 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन 7 और 8 जुलाई 2023 को कर सकते हैं। रांची में सट्टा मटका की तर्ज पर हब्बर डब्बा खेल का पर्दाफाश। रांची में सट्टा मटका की तर्ज पर हब्बर डब्बा खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस खेल में शामिल 5 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया। इसी के साथ खेल में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि बीते दिन शुक्रवार को पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मोरी ओपी क्षेत्र के समीप कुछ लोग हब्बर डब्बा खेलते हैं। 700 वोटर्स करेंगे पंजाबी हिंदू बिरादरी के नए अध्यक्ष का चुनाव। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष पद के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 उम्मीदवार सुधीर उग्गल व मदन सेन कुजारा चुनाव मैदान में हैं। बता दें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। इसके पहले सुबह 11 बजे से वार्षिक आम सभा होगी।
चुनाव अधिकारी मुकुल तनेजा और सह संयोजक अरुण चावला ने बताया है कि करीब 700 वोटर्स जिसमें 64 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आम सभा और चुनाव लाला लाजपत राय पथ स्थित पंजाबी भवन में आयोजित होगी। वोटिंग के जरिए बिरादरी द्वारा जारी वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वैध होगा। रांची के आम महोत्सव में लोहा जंग और काला पहाड़। रांची के होटवा स्थित खेलगांव आवासीय परिसर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आम महोत्सव में आकर्षण का केंद्र है काला पहाड़ और लोहा जंग आम। बता दें, नाबार्ड की ओर से आयोजित 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बाड़ी परियोजना के तहत कई जिलों से तरह तरह के आम आए हुए हैं, लेकिन काला पहाड़ और लोहा जंग सबका पसंदीदा बना हुआ है। बताया गया है कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जी व अन्य उत्पाद उपलब्ध कराना है, साथ ही तरह तरह के आम से रूबरू कराना है। बता दें कि नाबार्ड आम उत्पादक किसानों के प्रोत्साहन के लिए आदिवासी विकास कार्यक्रम के तहत इस महोत्सव का आयोजन कराता है। बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा है कि जब से देश में मोदी की सरकार आई है, तब से करोड़ों लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ा है। हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करने वाली सरकार हर वर्ष करोड़ों लोगों का रोजगार छीन रही है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन सार्वजनिक कोयला सेल एनटीपीसी सेल को अडानी और अंबानी के हवाले किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, रोजगार पाना नौजवानों के लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आदिवासी, दलित और पीड़ित वंचित लोग हाशिए पर हैं। मोदी की सरकार में कुछ खास लोगों को फायदा मिला है। देश की कुल पूंजी 5% लोगों के बीच ही है। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है, इस कारण बाजार भी समाप्त होता जा रहा है। जहाज में छेद कर डुबाने का प्रयास करने के मामले में दाहू यादव समेत 11 पर नामजद प्राथमिकी। साहेबगंज में मालवाहक जहाज में सुराग कर डुबाने की कोशिश मामले में जमालपुर थाना क्षेत्र के मिल्कीगंज मुंगेर निवासी टुन्नू यादव के आवेदन पर साहेबगंज के मुफसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दर्ज प्राथमिकी में दाहू यादव समेत 11 लोगों को नामजद तथा 4 अज्ञात को अपराधी बनाया गया। बता दें, ऑनलाइन आवेदन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की शाम पुलिस निरीक्षक शशि भूषण चौधरी के नेतृत्व में घटनास्थल की जांच की है। कोयला कामगारों का जल्द मिलने वाला है वेतन बढ़ोतरी का लाभ। झारखंड में 1 जुलाई से कोयला कामगारों को नए वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें, कोयला मंत्रालय ने इसकी हरी झंडी दे दी है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया चेयरमैन को इसके संकेत दिए हैं। कोल इंडिया प्रबंधन ने भी समझौतों के तहत सभी कोयला कंपनियों को वेतन लाभ दिलाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी करने को कहा है। कोयला कंपनियों ने भी कर्मचारियों के वेतन स्लिप को लेकर डाटा फीड कर लिया है, ताकि आदेश मिलते ही पे स्किल की छपाई शुरू हो सके। बता दें, कोयला मंत्रालय ने 7 दिन के अंदर MOU का हस्ताक्षर पत्र कोल इंडिया को भेजने की बात कही है। रांची पुलिस की दबिश, उग्रवादी, साइबर ठग, जुआरी समेत 9 गिरफ्तार। शनिवार का पूरा दिन रांची पुलिस के नाम रहा। बता दें, इस दौरान पुलिस ने रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 अपराधियों के साथ साथ 5 जुआरियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हथियार भी बरामद किया गया। बता दें, रांची के BITOP क्षेत्र से अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में आफ्ताब अंसारी और रतिया मुंडा शामिल हैं। उनके पास से 1 लोडेड कट्टा, कारतूस, चाकू और मोबाइल बरामद किया गया। जिस कार में बैठकर अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। 18 को हीट वेव अलर्ट जारी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 18 जून को भी राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 18 जून को राज्य के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में जहां हीट वेव का रेड अलर्ट है, वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा जिले में हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं लोहरदगा, गुमला, रांची, लातेहार, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामतला, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। बता दें, पिछले 24 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर हीट वेव का प्रकोप रहा। वहीं दिन के साथ साथ रात भी गर्म रहा है।
रांची का कैंसर हॉस्पिटल बना लाइफलाइन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को रांची के कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ मरीज को बल्कि उनके पूरे परिवार को तबाह कर रख देती है। मरीज बेइंतहा दर्द झेलता है। इलाज इतनी महंगी होती है कि अगर कोई गरीब इसकी चपेट में आ जाए तो उसका जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है। बता दें इस तकलीफ को किसी ने समझा था तो है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। मोमेंटम झारखंड जिसको लेकर आज भी ताने मारे जाते हैं, इसी इवेंट की बदौलत रांची में कैंसर अस्पताल का रास्ता खुला था। पारा शिक्षकों का सीएमओ से वार्ता के बाद शांत हुआ आंदोलन। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को राज्य के हजारों सहायक अध्यापक राजधानी की सड़कों पर दिखे। मोराबादी मैदान में महाजुटान के बाद ये शिक्षक जैसे ही सीएम आवास का घेराव करने के लिए रवाना हुए, पुलिस के द्वारा उन्हें जबरन रोक दिया गया। बता दें इस आंदोलन के दौरान सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री कार्यालय से वार्ता के लिए बुलाया आया, जिसके बाद एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय दुबे के नेतृत्व में शिक्षकों का 11 सदस्यीय शिष्टमंडल सीएम के ओएसडी से मिलकर अपनी बात रखी। आंदोलनरत सहायक अध्यापकों ने वेतन मान के अलावा ईपीएफ, अनुकंपा का लाभ, आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द कर सहायक अध्यापकों को वेतन वृद्धि देने, अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित करने के लिए एक मौका और देने, वहीं जे टेट सहायक अध्यापकों की तरह सी टेट को भी मान्यता सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में देकर इसे संशोधित करने की मांग रखी है। धन्यवाद।